अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आज की जो मेरी वीडियो है वो है अनबॉक्सिंग के बारे में। आज मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मोर देन 1 ईयर हो गया है मेरा इटली आए हुए, लेकिन मुझे इस तरह टी वी एल ई डी एल सी डी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब भी शायद ना पड़ती, क्योंकि मैं ड्रामे वगैरह मोबाइल पे ही और मोबाइल ही मेरे ज़्यादा यूज़ में होता था। अब माशाल्लाह से बस बेटा समझदार हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो फिर वो कार्टून देखता था तो मैं मोबाइल पे ही उसको लगा देती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसे ना मोबाइल की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जानी है, फिर बाद में जो है मुश्किल होगी छुड़ानी। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि अभी ये मुनासिब टाइम है कि हमें परचेज़ कर लेना चाहिए। तो हम बीवियों में लाख प्राइस से एक अच्छाई ज़रूर होती है कि हम लोग ना अपने हस्बैंड की बचत का बोल सकते हैं। बस जहाँ से हम कहते हैं 2 रुपये बचते हैं, कहीं से बचा हुए लेकिन इतना ही हमारे हस्बैंड जो हैं वो शाह खर्च होते हैं। मैं खुद जो है ना, मैं ज़रा बचत की हूँ कि मैं कहती हूँ बचत हो जाए कहीं से, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी बचत वाले नहीं हैं। वाले को कहते परचेज़ तो कर लिया, नेक्स्ट स्टेप था कि इसको लगाना भी था। अब यहाँ पर तो आइडिया हो गई कि यहाँ पर तो हर चीज़ की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको। पाकिस्तान तो था नहीं कि बस चीज़ परचेज़ की, बंदे को पकड़ा लिया है, उसने आपको लगा दिया। फिर हमने इसको फ़िलहाल जब हमें अपॉइंटमेंट मिली वो 1 वीक के गैप से मिली कि उसमें 1 वीक था। तो फिर हम लोगों ने इसको दूसरे रूम में इस पर वैसे ही स्टैंड पर इसको फिट कर दिया था। फिर एक हफ्ते के बाद जो है वो आए, उन्होंने मुझे फ़िट करके दिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर अपने मैंने रूम जो चेंज किया है, सेटिंग वगैरह चेंज की, वो सारी वीडियो रूम की आपके साथ शेयर करूँगी। और आज की वीडियो में मेरी शेयरिंग बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।